मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में एक हॉस्पिटल आपका है, हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हमने देखी है वो बहुत ही बेहतरीन है और जो सुविधा मिलनी चाहिए मरीज को वो सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन एक समस्या आपके साथ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। हम डॉक्टर रेखा प्रसाद, यहाँ स्त्री एवं प्रसव रोग विशेषज्ञ, हम यहाँ 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम रिटायर कर गए हैं करीब 10 साल पहले, लेकिन अभी गायनी का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। नीचे मेरा 20 बेड का नर्सिंग होम है और ऊपर हमारा रेजिडेंस है। यहाँ हर तरह की सुविधा दी जाती है, जैसे प्रसव की सुविधा 24 आवर है, उसमें नर्स, कंपाउंडर, स्वीपर, गार्ड सब लोग हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ सीजेरियन का भी सुविधा 24 आवर उपलब्ध है। और इमरजेंसी में कोई आया, इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ होता है। महसन पैथोलॉजी में है, सारा लेबोरेटरी सारा टेस्ट यहीं होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है। मेरे हर तरह की सुविधा है जो दी जाती है। और ज़्यादातर मेरे यहाँ पुअर पेशेंट ही आती है, जिसको हमको बहुत मेहनत करके बचाना पड़ता है। जो इल ट्रीटेड, इल पुअर घर की हैं, जिनका इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको भी हमको हेल्प करके ठीक करना पड़ता है। मैडम आपने बहुत ही अच्छा बात कहा कि जो पुअर घर के औरतों को का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जो मरीज होते हैं वो गरीब तबके के आते हैं और यहाँ पर में समुचित इलाज कर करके उनको भेजा जाता है। तो एक सवाल और आता है मैडम, जो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, उन सारी योजनाओं का क्या कुछ लाभ मिल पाता है? हम नहीं लाभ उठा रहे हैं, हम अपने ही पॉकेट से बहुत हेल्प कर दे रहे हैं। एक और सवाल है मैडम कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली में जो इतनी देरी हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ? हमको हेल्थ डिपार्टमेंट से शिकायत है कि इतना मेडिकल कॉलेज खुल गया है, सारे प्रोफेसर का पोस्ट खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब पोस्ट खाली है। और जो को कंट्रेक्चुअल पर जो उसको लिए हैं उसी से काम निकाल रहे हैं। उसमें जितना क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो MD MS करके, उनसे ब्लॉक का काम करवाया जा रहा है कि इम्यूनाइजेशन करे, ये कि जो पढ़ाने के लिए, जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, जो पढ़ाएंगे, जो अच्छे डॉक्टर बनेंगे मेडिकल कॉलेज में, वो पढ़ाने की सुविधा नहीं है। वो किसी तरह से पढ़वा रहे हैं किसी किसी डॉक्टर्स, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। यही हमको कहना है, मेडिकल कॉलेज का सुधार किया जाए, वहाँ का टीचिंग व्यवस्था अच्छा किया जाए, तभी तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे। सरकारी अस्पतालों में जो चिकित्सक व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? बहुत पुअर व्यवस्था है। एक पेशेंट मेरे यहाँ आई जिनका ब्रीच था, उल्टा बच्चा था, PMCH में भटकते रह गई, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ और मेरे पास के बच्चा माँ दोनों को बचाए। मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकारी व्यवस्था, सरकारी नहीं, पहले राजेंद्र नगर अस्पताल में होता था जो कि मेरे घर के बगल में था, तब तो उसको आई हॉस्पिटल बना दिए हैं, वहां से गायनी हट गया है, इसलिए पेशेंट को PMCH NMCH दौड़ते रह जाती है, काम नहीं होता, अंत में यहाँ आती, हमको मजबूरन उनका काम ठीक करना पड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस अस्पताल के बारे में यही कहना चाहेंगे कि भाई डायरेक्टर ऑफ दिस मैटरनिटी सेंटर मैडम बहुत काइंड हार्टेड हैं। हमको अस्पताल चलाना पड़ता है और मरीज बहुत पुअर आती है, मैडम तो कर देती है इम्यूनिटी ग्राउंड में, लेकिन हमको बहुत घाटा में रहना पड़ता है, लेकिन तभी हम संतुष्ट हैं। संतुष्टि से है कि कम से कम ऊपर वाला तो देखने वाला है, ऊपर वाला देखता है और देखकर आशीर्वाद देता है। और आप लोग का बेस्ट विशेष से है, आज हम 76 वर्ष रन कर रहे हैं, PMCH से रिटायर 2010 में किया, उसको पावापुरी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया सरकार के द्वारा, वहाँ से जब 70 वर्ष हो गया तब रिटायर कर गए। अब है क्या कि मैडम के साथ साथ मैडम को कॉपरेट करते हैं और गरीब मरीज का मैडम जो हेल्प करते हैं, हमारे मॉनेटरी क्राइसिस के रहते हुए भी तभी हम संतुष्ट हैं। चलो भगवान सब कुछ हमको दे दिया है, दो बेटी है, दो बेटा है, ऑल आर सेटल, दोनों बेटी डॉक्टर है, दोनों दमान डॉक्टर है, और इससे बढ़कर हम और क्या बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।